all of today is to do organic farming. Organic farming is a method of crop and livestock production which eliminates the use of chemical fertilizers, pesticides, and insecticides. It is a holistic approach for a sustainable and harmonious environment. Organic farming protects the environment, minimizes soil degradation and erosion, optimizes biological productivity, and promotes a sound state of health. आज मैं आप सबको खाद बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। अब खाद बनाने के लिए हम खेती और रसोई घरों का सारा कचरा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सूखी हुई घास, सूखे पत्ते, फल सब्जियों के छिलके, सड़ी हुई सब्जियाँ आदि हम इसमें सब डाल सकते हैं। अब खाद बनाने के लिए हमारे को ऐसा एक गड्ढा चाहिए होगा। गड्ढे में हम शुरू में थोड़ा पानी डाल देंगे। अब पहले हम इसमें हरी पत्तियां या फिर जो हमारी सब्जियां हैं वो डालेंगे। अब हम इसमें 3 गुना ज्यादा सूखा कचरा डालेंगे। अब हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारी खाद ऐसे हो, पहले हरा या गीला कचरा, फिर सूखा, फिर गीला, फिर वापस सूखा। अब हम इसमें हरा कचरा डालेंगे। अब इसके बाद वापस सूखा। अब इसके बाद हमारे को इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देनी चाहिए। अगर हम खाद को छू के देखेंगे तो हमारे को लगेगा कि वो थोड़ी सूखी है, पर जैविक खाद बनने के लिए नमी बनी रहनी चाहिए, तो हम इस पर थोड़ा पानी डालेंगे। इस प्रक्रिया को हमारे को तब तक दोहराना चाहिए जब तक हमारा गड्ढा पूरा नहीं भर जाता, और हर 1 से 2 हफ्ते में हमारे को इस मिश्रण को मिला देना चाहिए जिससे जैविक खाद बन जाए। अब हमारी ये खाद 5 से 6 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। हमें कैसे पता लगेगा कि तैयार हो गई? अब अगर आप खाद देखेंगे तो ये ऐसे पाउडर फॉर्म में होगी, और अगर आप इसे सूंघेंगे तो इसमें गीली मिट्टी की सुगंध आएगी। ये आपको दिख जाएगा कि ये खाद बन गई है। अब खाद बनाते हुए जिससे मच्छर आदि नहीं आए, हमारे को इसे एक लकड़ी के पल्ले से ढक देना चाहिए। अब ये तैयार खाद आप गमलों में और फसल उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गमलों में खाद इस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। आप जितनी खाद ले रहे हैं उतनी ही आपको मिट्टी लेनी चाहिए, और इसमें अब आप बीज डाल सकते हैं।